पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू, थैंक यू। ढूंढो। I'm so sorry. भाई अंगूठी कहाँ? All right, calm down, रुक जाइए, जो जहाँ है वहीं खड़े रहिए, अपने ही आसपास ढूंढिए, मिल जाएगी, पैनिक मत होइए, okay? और जिसे ये अंगूठी मिलती है, उसे मैं अपनी तरफ से एक प्यार भरा थैंक यू बोलूँगा। Don't worry, मैं ढूंढ के देता हूँ। Superb, my rockstar, very good. कमाल की बात है ना, यही आरव हमारे जिंदगी में हमारे बीच की कड़ी बना और अब हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बंधन बन चुका है। कथा, हमारी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। इट्स रियली ग्रैंड पॉजिटिव। Can I sit here? यहाँ के लोग इतने रूड क्यों हैं? कोई किसी से बात ही नहीं करता और इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि मंचीज अगर आवाज करके खाओ तो उसे जज किया जाता है। That's so not fair, right? बच्चों को स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। Really? शायद इसीलिए यहाँ पे मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, पर हम तो बचपन में कितने कूल थे यार, किसी से भी बात करते थे, कहीं भी चले जाते थे, सबसे दोस्ती करते थे। बट योर पॉइंट इज ऑल्सो फेयर। सो हाई, आई एम राघव सेगर एंड यू खड़ूस, आई मीन ये रूट लव बाय खड़ूस एसोसिएशन तो नहीं है? एग्रेशन, ये गुस्सा, ये एग्रेशन इज वेरी गुड। हाँ, इसको स्पोर्ट्स में यूज करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए, इट्स फैंटास्टिक। ये तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम क्रिकेट विकेट खेलते होगे। यू नो व्हाट, मैं ना कमाल का बॉलर हूँ, देख एकदम आउटस्टैंडिंग। मैं यहाँ है ना बोलिंग प्रैक्टिस करने आया था और यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? अपना बोर्डम का बर्डन लेके घर जाना पड़ेगा। इट्स सो टेरिबल। पर अगर तुम चाहो तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं, पर फोन करिया, मैं अपने बेस्ट बॉलिंग मूव्स तुम पे ट्राई नहीं करूंगा। अरे यार, आप कभी शांत नहीं हो सकते क्या? स्टॉप बटन क्या है आपका? हां, तब से चपर 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 बोले जा रहे हो। इतना बड़ा स्पोर्ट्स क्लब है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी एज का नहीं मिला तो बच्चों के पीछे पड़ जाओगे अंकल। एए, डोंट अंकल मी, ओके? चिंटू तो नहीं बोल सकता ना। All right, but don't be rude, okay? वैसे तुम्हारा चिंटू भी funny था, not bad, that's really cute. ये इसका मतलब तुम खड़ूस नहीं हो? You're actually funny, हाँ? इसका मतलब ये है कि मैं अपने मनचीज़ तुमसे share कर सकता हूँ। ओ हो बोलान यार, अगर इसमें कुछ होता ना तो पहले मैं बेहोश हो चुका होता, राइट? ओहो, तुम वो टाइप क्यों कि मैं सब पे शक करूंगा, मैं दुनिया मेरी दुश्मन है, एंड आई डोंट वांट ट्रस्ट एनीबॉडी, और मैं किसी को अपना नाम नहीं बताऊंगा, दैट टाइप्स, राइट? आई नो यू दोस टाइप्स, सो बी इट। आरव, आरव नाम है मेरा। हाँ,
I'm not an army. I'm a boy and obviously good best friend. Great best friend. You're right. तुम क्रिकेट खेलते हो, चिप्स खाते वक्त आवाज करते हो, मतलब तुम बोरिंग तो नहीं हो. सो हम दोस्त बन सकते हैं. सो अगली बार मिलोगे तो क्रिकेट खेलोगे? अरे यार, तुम्हारे ये जो स्ट्रेंजर से नहीं बात करने का प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व कर दूंगा. ओके, व्हाट विल डू इज, अपने पेरेंट्स से परमिशन लो, मेरे घर पे आए, पाकिस्तान इंडिया मैच साथ में देखेंगे, मजा आ जाएगा. उसके बाद विल बी फ्रेंड्स, जब चाहिए क्रिकेट, जब चाहिए चिप्स. क्या बोलता है? हिंदी. मामा, मीट राघव अंकल. राघव, माय फ्रेंड राघव. हाय. हाय. आरव, आरव, जल्दी आओ क्रिकेट खेलने. ओह नो, ये मेरा मतलब नहीं था. मैंने आंख इसलिए मारी क्योंकि ये बताने के लिए कि मैंने उसे पटा नहीं, मैंने उसे मना लिया. आई गॉट इट. पक्का ना? आई गॉट इट. ना सुकून है इस पेंटिंग में, दुनिया के शोरगुल से दूर, नेचर के बीच, मामा के लैप पे चैन की नींद सोते हुए. दिस इज जस्ट अमेजिंग. क्या नजारा है. आई एम सो सॉरी, ये तो मेरा परसेप्शन था. तुम बताओ, तुमने क्या सोच के ये पेंटिंग बनाई? कथा. हाय. ये देखो मैं क्या लेके आया हूं. जानती हो आरव ने क्या बनाया? डा डा डा. क्या हुआ, क्या समझ में आया? ये तो मेरा सपना है, शांति से सुकून में बस मैं और मेरा मंकी और कोई स्ट्रेस नहीं. आप बताइए. कुछ बहुत खास है इस पेंटिंग में, एक पॉजिटिव चेंज. आज पहली बार ये बच्चा एग्रेसिव नहीं है, चौकन्ना नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें करके लोगों को देख नहीं रहा. आज ये बच्चा आंखें बंद करके चैन से सो रहा है. वो फिर से भरोसा करने लगा है. और जानती हो पेंटिंग बनाने के बाद उसने क्या बोला? आपने कहा था ना, मैं वैसे ही दुनिया इमेजिन कर रहा था जहां पर मुझे और मम्मा को चोट पहुंचाने वाला कोई ना हो. So, मेरा छोटा सा फ्रेंड मुझ पे भरोसा करने लगा. एंड जनरली भी वो अग्रेसिव नहीं है. इट्स अ बिग थिंग डॉक्टर, बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है. थैंक यू सो मच. यही तो प्रॉब्लम है आपके डॉक्टर की, थैंक यू से काम नहीं चलता. कॉफी भी लेके चलना पड़ेगा वरना फीस डबल. सोच लो. सॉरी. आई एम सॉरी बिकॉज bad timing as always and bad joke this time. Sorry. आपको आपकी फीस मिल जाएगी डॉक्टर. एंड कॉफी मैं बाहर से ले आती हूँ. चलेगा. एंड वो आपकी फैमिली है, दैट्स योर डॉटर. यस. मेरी प्यारी सी बेटी रूही,
अभी अपने स्कूल ट्रिप पे बाहर गई है. So sweet. ये है मेरी एक्स वाइफ जो चल बसी. I'm so sorry, डॉक्टर. अरे चल बसी, हमारी दुनिया से कहीं और रहती हो. कुछ हुआ नहीं उसे. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.